हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास इंग्लिश वर्क बुक में फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 124 यानी 124 पर पहला क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। दूसरा है, डॉग्स आर एसोसिएट्स विथ। देखो डॉग से कौन सा संबंधित है? बार्क यानी भौंकना। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद हिसिंग। हिसिंग से कौन एसोसिएट है यानी संबंधित है? कोबरा। हिसिंग यानी फुसकारना। फोर का है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। देखो इनमें से सही कौन सा है? वेयर आर यू गोइंग टू द फेयर, व्हाट आर यू गोइंग टू द फेयर, वो आर यू गोइंग टू द फेयर, वाई आर यू गोइंग टू द फेयर, आप मेले में क्यों जा रहे हैं। तो ये इसमें राइट है, करेक्ट है। अगला है 5 का, राइट ए सुटेबल क्वेश्चन फॉर दीज सेंटेंसेस। देखो इसमें आंसर क्या है? येस इट इज कॉल्ड आउटसाइड। हाँ बाहर ठंड है। तो क्वेश्चन क्या होगा? इज इट कॉल्ड आउटसाइड, क्या बाहर ठंड है? इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला है, आई एम गोइंग टू वाराणसी, मैं वाराणसी जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या होगा? आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं वाराणसी जा रहा हूँ। अगला है, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक और जिल कहाँ गए? पहाड़ी पर। टू गेट ए बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी लेने के लिए। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। जैक क्या हो गया? गिर गया। और ब्रोक हिज क्राउन यानी उसका सिर के ऊपर से क्राउन, ताज यानी सिर के ऊपर लगी यहाँ बिल्कुल बीच में। एंड जिल केम फॉलिंग आफ्टर, और जिल भी क्या है? उसके पीछे गिर गई। अगला है 6 का क्वेश्चन, वाई डिड जेक एंड जिल गो अप द हिल। जेक और जिल पहाड़ी पर क्यों गए? तो जेक एंड जिल वेंट अप द हिल टू गेट अ बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी लेने के लिए जेक और जिल पहाड़ी पर गए। अगला है 7 का, वाई डू यू थिंक जेक फेल। आप क्या सोचते हो कि जेक क्यों गिर गया? कल्पना कीजिए कि जेक क्यों गिर गया होगा, वहाँ उसका पैर स्लिप हो गया होगा इसलिए गिर गया होगा। तो बिकॉज हिज फुट मस्ट हैव स्लिप्ड, शायद उसका पैर स्लिप हो गया होगा। अगला है 8 का, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल, आपकी स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टेक हेल्प ऑफ योर टीचर इन फाइंडिंग आउट एंड देन राइट इट हेयर। अपने टीचर की मदद ले सकते हैं आप ये पता करने के लिए। तो जहाँ से भी आपकी स्कूल में पानी आता है वो सोर्स लिखेंगे आप यहाँ पर। तो मैंने लिखा, वाटर कम्स फ्रॉम ट्यूबवेल इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में पानी ट्यूबवेल से आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।